हेलो फ्रेंड्स, लुक एट दिस बकेट। एंड बकेट में सारा शॉपिंग का सामान है। तो हमने ये बकेट कहाँ से ख़रीदी और क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या सामान इसमें रखा हुआ है, तो ये चलिए दिखाती हूँ आपको आगे के व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग आए थे लखनऊ डॉक्टर को दिखाने, बट डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट के बावजूद भी नहीं मिल पाए क्योंकि अचानक उन्हें जो है विदेश जाना पड़ गया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो हम लोग वापस लौट रहे थे तो निषादगंज में पड़ता है ये उमराव मॉल, और अभी न्यू खुला हुआ। पहले ये उमराव टाकीज हुआ करता था, सिनेमा हॉल हुआ करता था, बट अब ये मॉल में बदल गया। रिलायंस वालों ने इसमें अपना मॉल खोल दिया है। तो हम लोग पहुँच गए हैं मॉल और घूमेंगे फिरेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए ये लखनऊ का बहुत ही सुंदर फेमस उमराव मॉल। तो ये है हमारा उमराव मॉल, आप ये देखिए, ये इस तरह से उमराव मॉल का लोगो है। ये जो है एंट्री गेट है, तो यूँ कुछ ऐसा दिखता है ये मॉल हमारा। मैं थोड़ा पास से लेके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भी पहली बार इस मॉल में आए, तो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और करेंगे शॉपिंग। और एंट्री करते ही इतना सुंदर सैंडिलियर नज़र आया हम लोगों को। सैंडिलियर कितना ज़्यादा प्यारा है, और इसमें म्यूज़िक की वॉइस आती है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं मॉल के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं अंदर हमने क्या क्या किया है, क्या क्या ख़रीदा है। ये स्टेयर्स है मिड में इस मॉल के, इस मॉल के मिड में स्टेयर्स हैं। ऊपर ये स्टिप्स मैंने दिखाई थी फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं आ चुकी हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। और ये हमारा एचपी वर्ल्ड है, एचपी की भी शॉप है। और ये डोमिनोज और रेवलॉन का स्टोर है यहाँ पर। और सामने दिखाती हूँ मैं, अभी बहुत ज़्यादा शॉप इसमें ओपन नहीं हुए हैं, बट जो भी हैं बड़ी है। रिलायंस का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रिलायंस डिजिटल बड़े उस पर है। एसेसरीज भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी हैं रिलायंस डिजिटल के। ये डेकोर है इसका, ये देखो फेक प्लांट लगा हुआ है नारियल का। और ये बाटा का शोरूम, ये बाटा का शोरूम है बबल गेमर। और ये पेंटालून का शोरूम और रेड चेप शूज का। और उमराव मॉल में ये लगा हुआ है, देखिए, वी सेलिब्रेट अवर फर्स्ट एनिवर्सरी। और ये इधर एग्जिट है, बिग बाज़ार है नीचे भी। बिग बाज़ार आपको लेकर चलते हैं, बिग बाज़ार दिखाऊंगी। पहले तो ये बरिस्ता ओपन है, ये देख लीजिए आप, इसका डेकोरेशन बहुत प्यारा है। ये जो लगा हुआ है यहाँ पर डेकोर बहुत अच्छा है बरिस्ता का, बहुत ही अच्छा। ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, सिटिंग एरिया है, ओपन है बट अच्छा है लोगों के बैठने के लिए। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ बिग बाज़ार, हम लोग चलते हैं बिग बाज़ार। और सामने देखो उधर जहाँ पर रुचि और आरव खड़े हैं ना, वहाँ पर बर्गर किंग भी है। और इसमें वॉइस आ रही है, म्यूजिक निकल रही है, जैसे जैसे हिल रहा है ना, ये अब महसूस करेंगे ना, इसकी लड़ जो है वो हिल रही है। तो इनमें से वॉइस निकल रही है, म्यूजिक सी निकल रही है इनमें से, में से म्यूजिक निकलती है। आप देखना, आपको सुनाई पड़ रहा होगा, आप ध्यान से सुनना। और ये देखिए इसकी पाइप स्ट्रिप जो है ना हिलती हैं और उनमें से म्यूजिक निकलती है। तो फाइनली हम चलते हैं, हाँ खिला दूंगी और आरव को आइसक्रीम खानी है, अभी खिलाते हैं। और फाइनली हम चल रहे हैं बिग बाज़ार में, ये देखिए बिग बाज़ार। संभल के रुक जाओ आरव, रुक जाओ। और ये आ चुके हैं हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं आप, और ये बिग बाज़ार है। बिग बाज़ार में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा है बिग बाज़ार। और अभी हम लोग बिग बाज़ार में घूम कर यहाँ से निकल कर फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। एफबीबी का भी स्टोर है यहाँ पर बिग बाज़ार में, गर्ल्स का है और एफबीबी के स्टोर हैं। ये देखिए एफबीबी के स्टोर हैं, सेल भी चल रही है, अच्छा अच्छा है, फूड भी है।
अच्छा फूड आइटम भी है, ओके। तो अभी चेक करेंगे, एंट्री करेंगे रजिस्टर पे, तो ये एंट्री करा लेते हैं हम लोग, चेक करा लेते हैं, फिर आपसे अंदर मिलते हैं। जल्दी से मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को, और उसके बाद करेंगे शॉपिंग हम लोग। और आरव, रुचि और उनके मामा ने ये देखिए मॉल में अपने मतलब की चीज़ें तलाशनी शुरू कर दी हैं, तो फिर क्या क्या खरीदेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे हम आगे। और आरव शॉपिंग बकेट पकड़कर अपने मामा की शॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें शर्ट पसंद करने में मदद कर रहे हैं, और फाइनली हस्बैंड ने ये शर्ट पसंद कर ली। और ये सामने से मेट्रो गुजरती हुई, और ये बाहर बिलिंग काउंटर जहाँ पर बिलिंग होती है, और फाइनली ये एग्ज़िट, तो हम लोग एग्ज़िट हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं, इधर से आने वाली है हमारी कार, तो भैया गए हैं लेने, तो अभी लेकर आ जाते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। शॉपिंग हम लोग की हो चुकी है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदा है, बस मतलब भर का ख़रीदा है। और ऊपर ही ये मेट्रो की लाइन बिछी हुई है, तो मेट्रो ट्रेन जो है वो गुजरती रहती है बराबर इसके पास से, तो यहाँ पर आगे ही बढ़कर थोड़ा सा स्टॉपेज है मेट्रो का, तो जो भी आसानी से आना जाए वो आ सकते हैं। और सामने वही लोगो है, मुस्कुराई अब लखनऊ में है। अब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये दो बकेट हमने लिए हैं, एक रुचि ने एक मैंने, शर्ट लिए हैं, बिस्किट्स वगैरह लिए हैं, हाउस होल्ड का कुछ सामान लिया है, आरव का कुछ सामान लिया है साथ में। हम लोगों ने खाया है डोसा, और शुरू में सूट करना भूल गए आपको, और थाली जो है साफ हो रही है, फिनिश हो रहा है, गाड़ी में बैठ के ही ऑर्डर किया, हम लोगों ने गाड़ी में ही खा लिया डोसा, इससे पहले खाई थी हम लोगों ने पकौड़ियाँ, अभी सूट नहीं करी। और ये हमारे अशोक भैया की शॉप है, इसका डोसा पूरे बाराबंकी में ऐसा डोसा कहीं नहीं बनता है, लाजवाब डोसा, लाजवाब डोसा बनाते हैं हमारे अशोक भैया जी, लाजवाब डोसा। बाराबंकी में धनोखर चौराहे पर लगती है ये अशोक भैया की शॉप, और हम लोग हमेशा यहीं खाते हैं, और लाजवाब डोसा बनता है, लाजवाब ऐसा डोसा हमें बिल्कुल नहीं मिलता। धनोखर पर जो हनुमान मंदिर है ना, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में लगाते, राइट साइड में लगाते हैं भैया, और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग जब निकलते हैं तो खाते ज़रूर हैं, तो डोसा पार्टी भी की हम लोगों ने। हेलो फ्रेंड्स, हमने खूब पार्टी की, पहले मैंने आइसक्रीम खाई, और फिर पनीर पकौड़ा खाया, फिर ब्रेड पकौड़ा, फिर खाई हमने डोसा, और अब हम जा रहे हैं घर, तो वहाँ हम खाएंगे आइसक्रीम व्हाइट वाली जो हम लेके आए थे, और अभी हमें फ्रूटी भी पीना है, और फ्रिज में भी आइसक्रीम रखी है, फ्रिज में भी आइसक्रीम रखी है, वो भी खाना है, तो घर पहुंच कर आज हमको हम और पार्टी दिखाएंगे। आज हमारी पार्टी हो गई, पहले तो मैंने मुझे माता चल गई खाने की, खूब खाया तो आज तो मजा आ गया। बाय माय फ्रेंड्स, घर मिलते हैं। फ्रेंड्स, घूमने, शॉपिंग करने और बाराबंकी में आकर डोसा खाने के बाद अब हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े हैं, और बहुत थक गई थी मैं, ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की थी, जो भी शॉपिंग की थी वो मैंने आपको ब्लॉग के